हेलो दोस्तों, तो मूवी की स्टार्टिंग हमें दिखाया जाता है कि साल 1974 में हमें वेस्ट वर्जीनिया का एक सेनेटोरियम दिखाया जाता है। दोस्तों ये सेनेटोरियम बेसिकली डी फार्म लोगों के लिए बनाया गया था और जो डी फार्म लोग जो यहाँ रहते थे असल में ये इम्बिलीडिंग और बर्थ डिफेक्ट की वजह से डी फार्म बने थे। तब वहाँ के इंचार्ज डॉक्टर ब्रेंडन डॉक्टर एन को वहाँ के पेशेंट के बारे में बता रहे होते हैं। इसी दौरान एक पेशेंट डॉक्टर एन को पीछे से पकड़ लेता है और उनके बालों में से एक हेयर पिन निकाल लेता है। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं। फिर डॉक्टर ब्रेंडन डॉक्टर एन को इनलिगल ब्रदर्स के लोकअप की तरफ लेके आते हैं और वो तीनों ब्रदर्स कोई और नहीं थ्री फिंगर सोतर और बन आई थे। डॉक्टर ब्रेंडन डॉक्टर एन को बताते हैं को ये तीनों भाई मिसेस इनलीगल को एक जंगल में मिले थे और यही वजह है कि इन्हें इनलीगल ब्रदर्स कहा जाता है। और जब ये ब्रदर्स मिले थे ये तब तक अपने मोम डेट को खा चुके थे। और यही नहीं, ये डॉक्टर इन इनलीगल ब्रदर्स को यहाँ के सबसे खतरनाक पेशेंट कहता है। हालांकि वो सभी बच्चे थे पर उनके खतरनाक होने का प्रूफ ये है कि एक तो अपनी उंगलियां ही चबा गया वही था थ्री फिंगर, एक ने अपनी आंख निकाल के खा ली इसलिए वो बन आई, और तीसरा जो अपने दांतों को हर वक्त दीवारों से रगड़ता रहता था सोतुत था। इन लोगों ने बहुत सारे मरीजों को काट कर जख्मी भी कर दिया था। ये सब बातें सुनकर डॉक्टर एन पूछती है कि ये तीनों इतने सारे दर्द को कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं। इस पर डॉक्टर ब्रेंडन उन्हें बताते हैं कि इनको को तो तकलीफ महसूस हो नहीं होती। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और जिस मरीज ने डॉक्टर एन की पिन निकाली थी और वो उस पिन की मदद से लोग को खोलने लगा था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि वो इतना समझदार नहीं था। और ऐसा करते हुए वो तीनों भाई उसे देख रहे होते हैं और उससे वो लोग वही पिन मांगते हैं जिससे वो उस पिन को उनकी तरफ फेंक देता है। और उन ब्रदर्स में सबसे ज्यादा समझदार थ्री फिंगर ही था जो कि उस लोग को खोल लेता है और वो चुपके से तीनों भाई बाहर निकल आते हैं और वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड को मार देते हैं। और फिर वो लोग कंट्रोल रूम में जाकर सारे सेल्स को खोल देते हैं और इसके बाद से ही वो पूरी जगह मेंटल अजाइलम बन जाती है। वो तीनों ब्रदर्स डॉक्टर एन को पकड़ लेते हैं और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं और तब तक ऐसा करते रहते जब तक उसका दिमाग पूरी तरह से जल ना जाए। इसके बाद वो डॉक्टर ब्रेंडन को भी पकड़ लेते हैं और अपनी स्मार्टनेस शो करते हुए उसे भी बेरहमी के साथ मार देते हैं। और इसके बाद 29 साल बीत जाते हैं और इतने सालों के बाद 9 स्टूडेंटों को दिखाया जाता है। उस वक्त वो लोग बर्फ के बहुत मजे ले रहे होते हैं, लेकिन उन्हें अपने एक फ्रेंड के केबिन पर जाना था, लेकिन उसी दौरान वो लोग रास्ता भूल जाते हैं और एक बहुत बड़े तूफान में बुरी तरह फंस जाते हैं। और तभी उनकी नजर इस तूफान के बीच एक बिल्डिंग पर पड़ती है। वो सभी लोग उस बिल्डिंग को तरफ बढ़ते हैं लेकिन उन्हें ये अंदाजा बिल्कुल नहीं होता कि उन्हें वहां पर जाने की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और वो बिल्डिंग वही सेनेटोरियम था जहां पर वो तीनों भाई रहा करते थे। जैसे ही वो सभी लोग अंदर जाते हैं उन्हें पता लग जाता है कि ये एक हॉस्पिटल था और वो सभी लोग वहाँ पर आग जलाकर वहाँ पर बैठ जाते हैं। लेकिन दोस्तों वो लोग आराम से बैठने वाले लोगों में से थे ही नहीं क्योंकि ये चीज उनके नेचर में शामिल था कि किसी सुनसान जगह पर जाकर उस जगह की अच्छे से तलाशी ली जाए। फिर वो लोग उस हॉस्पिटल के कोने कोने की तलाशी लेते हैं और इसी दौरान उन्हें इंचार्ज ऑफिस में वाइन मिल जाती है और वही पर उन्हें वहाँ के मरीजों को फाइल भी मिल जाती है जिसे देखकर उन्हें ये पता चल जाता है कि यहाँ पर डी फार्म लोगों को रखा जाता था। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों भाई किसी को लेके उस सेनेटोरियम में पहुँच जाते हैं। उन लोगों में से तीन लोग नाइट स्पेन करने के लिए बेड्स को चेक करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर उन तीनों को कुछ नजर आता है। उन तीनों में से लड़का बिंसन उस रूम को चेक करने के लिए अंदर जाता है और अंदर जाते ही उसकी चीखने की आवाज आती है जिसकी आवाज सुनकर वो दोनों लड़की जेना और केनी डर जाती है। लेकिन दोस्तों वो किसी तरह अपनी हिम्मत बढ़ाकर बिंसन को देखने जाती है। बिंसन उनके साथ एक घटिया सा मजाक कर रहा होता है और वो उन दोनों को डरा देता है जिससे वो दोनों बिंसन से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। और तभी बन आई उनका पीछा करने लगता है। उन सबसे माफी मांगने के लिए बिंसन अकेला ही जनरेटर ढूंढने चले जाता है और उसे जनरेटर मिल भी जाता है और वो उस जनरेटर को ऑन कर देता है। अब क्योंकि वो अमेरिकन कॉलेज स्टूडेंट्स थे तो उनका रूल ये भी था कि वो लोग किसी सुनसान जगह पर लाइट आ जाए तो वो पार्टी करते हैं, और वो लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और पूरे हॉस्पिटल में हलचल मचा देते हैं। लेकिन इस दौरान उन्हें ये पता नहीं होता है कि कोई उन पर नजर रखे हुए है। पार्टी करते करते वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें एक फिल्म रील मिलती है। डैनियल उसे एक प्रोजेक्टर में डालकर उसे प्ले कर देता है। उस फिल्म में दिखाया जा रहा था कि उन इनलिगल ब्रदर्स पर सबसे ज्यादा एक्सट्रीमली टेस्ट किए जा रहे थे। वो फिल्म देखकर लोरेन बोलती है कि मेरा भाई इनके बारे में बड़ी खौफनाक बताता था कि तीनों इनलीगल भाई लोगों पहले बहुत बुरी तरह मारते हैं फिर उन्हें पकाकर खा लेते हैं, लेकिन उन सभी में से किसी को भी लोरेन की बातों पर विश्वास नहीं होता और सब लोग इन बातों के बाद सोने के लिए चले जाते हैं। रात को सभी लोग अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं लेकिन बिंसन को नींद नहीं आती और वो टहलना शुरू कर देता है। इसी दौरान उसकी किसी के ऊपर नजर जाती है और वो उसका वही फ्रेंड बोटर था जिसके केबिन में उन्हें जाना था। और फिर वो उसके पास जाता है तो बिंसन जैसे ही उसे हाथ लगाता है तो वो दूसरी तरफ झुक जाता है, यानी कि वो मर चुका था। तभी वो घबरा कर भागने के लिए पीछे मुड़ता है। तभी इसी दौरान सोतुत उसके सर के आर पार एक आयरन रोड घुसेड़कर उसे मार देता है। और जब सुबह जो जाती है तभी तूफान रुका नहीं था और वो लोग अभी भी वहीं पर होते हैं। वहां पर बिंसन मिसिंग होने की वजह से जेना सबसे उसके बारे में पूछती है लेकिन किसी ने भी उसको नहीं देखा था। बिंसन के साथ साथ उन सभी का सामान भी गायब था। तभी वो लोग ये सोचते हैं कि इस बार भी बिंसन उनके साथ कोई मजाक कर रहा है और सब लोग उसे ढूंढना
पीना शुरू कर देते हैं। उनमें से चार स्टूडेंट बेसमेंट में जाते हैं, वहाँ पर उन्हें अजीब तरह का एक केज मिलता है जिसमें बहुत सारे औजार रखे होते हैं। तो जब वो लोग आगे को तरफ बढ़ते हैं तो उन्हें सारे सेल्स मिल जाते हैं जिनमें मरीजों को बंद करके रखा जाता था। तो जब वो लोग और आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारा खून लगा हुआ है, जिससे वो लोग और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर वो लोग बेसमेंट में चारों तरफ बढ़ जाते हैं, तभी जेना किचन की तरफ चली जाती है जहाँ पर वो देखती है सोतूत बोटर के टुकड़े कर रहा होता है। तभी वहाँ पर थ्री फिंगर आके सोतूत को ले जाता है और तब जेना भी वहाँ से भाग जाती है। वो सब लोगों के पास आकर उन्हें सब बताने की कोशिश करती है, तभी बोटर की जैकेट में कुछ उनके सामने आकर गिरता है। तब केनिया उसे चेक करने के लिए जाती है, जो जैसे हो इस जैकेट को खोल कर देखती है तो उसमें वो देखती है कि उसमें बोटर का कटा हुआ सर है। अभी वो सभी संभले भी नहीं थे, वो तीनों भाई एक विंडो से बाल बयार नीचे फेंक कायल के गले में फंसा कर उसे ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं। तब कायल उसके पैरों को पकड़ लेता है और वो पूरा कायल के खून से रंग जाता है। इतनी कोशिश करने के बाद भी कायल को बचा नहीं पाता है और उसका सर धड़ से अलग होकर उसके ऊपर गिर जाता है। वो सभी वहां से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन स्नो बाइक्स चल नहीं रही थी क्योंकि उन्होंने उनके स्पार्क प्लग निकाल दिए थे। अब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। लोरेन जो को स्किंग चैंपियन थी वो डिसाइड करती है कि वो स्किंग करके हेल्प लेने जाएगी। तभी वो मदद लाने के लिए वहां से चल पड़ती है। बाकी सबके पास गर्म कपड़े नहीं थे और वो उस तूफान में भी खड़े नहीं रह सकते थे। तभी वो सभी लोग खुद को इंचार्ज ऑफिस में लॉक करने का फैसला करते हैं। वो जल्दी से भागकर इंचार्ज ऑफिस में जाते हैं और खुद को लॉक कर लेते हैं। अपनी सेफ्टी के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। हालांकि उन लोगों ने बेसमेंट में बहुत सारे औजार भी देखे थे, इसीलिए कार्ल डेनियल और सारा बेसमेंट में जाते हैं और वहां पर थ्री फिंगर उनके पीछे पड़ जाता है और वो लोग तभी एक केज में जाकर छुप जाते हैं। और जब थ्री फिंगर वहां से जाता है तभी वो सभी वहां से बहुत सारे हथियार लेके भाग जाते हैं। तभी दूसरी तरफ बन आई ऑफिस के दरवाजे में होल करके केनिया को पकड़ लेता है, जिस पर ब्रिजिड उसके हाथ में ब्लेड मारती है और तभी वो केनिया को छोड़ देता है। और उधर वो सभी लोग बेसमेंट में से भाग रहे होते हैं, तभी सबसे पीछे डेनियल होता है। तभी सोतूत डेनियल को पकड़ लेता है और उसे किचन में ले जाकर बांध लेता है। तभी कायल और सारा जब ऑफिस में पहुंचते हैं तब देखते हैं को उनके पीछे डेनियल नहीं था और उधर वो तीनों ब्रदर्स डेनियल को जिंदा हो काट रहे होते हैं, जिसकी चीखे वो सब सुन सकते थे। और लास्ट में वो लोग बहुत सारी बहस के बाद वो उसे बचाने जाते हैं। तब कायल देखता है कि वो तीनों उसकी मसल्स को काट कर तेल में फ्राई करके खा रहे होते हैं और डेनियल उस टॉर्चर से बच नहीं पाता। उसे मरा हुआ देखकर वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग उन तीनों भाइयों को अपने ट्रैप में फंसाएंगे। और ये सोचते हुए वो उन तीनों के ऊपर अटैक कर देते हैं और उन्हें एक सेल में बंद कर देते हैं। तब कायल उन्हें जलाकर मारने का फैसला करता है लेकिन केनिया उसे ऐसा करने से रोक देती है। वो इसलिए ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि उसकी इंसानियत जाग गई थी और वो उन्हें मासूम समझ रही थी। वो कायल को वहां पर रुक कर उन पर पहरा देने यानी उसे वहां पर रुकने के लिए बोलते और खुद जाकर सो जाते हैं। और बदकिस्मती से वो लोग उसी सेल में बंद होते हैं जिसमें वो 29 साल तक बंद रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये, जिस दिन से उन्होंने वो लोग खोला था उस दिन से अभी तक वो पिन वही पड़ी हुई थी। फिर जब कायल सो जाता है तब थ्री फिंगर अपनी स्मार्टनेस दिखाकर उस लोग को फिर एक बार खोल लेता है और बाहर आते ही सोतूत कायल को पकड़ लेता है। और जब केनिया कायल को चेक करने आती है तब खुद ब खुद जनरेटर बंद हो जाता है और हर तरफ अंधेरा हो जाता है। और वो वहां पर देखती है कि ना कायल वहां है और वो वापस आके सबको बताती है। और तभी वहां दरवाजे पर कोई आ जाता है जिसका फेस किसी चीज से कवर होता है। तो सभी लोग ये समझते हैं कि ये थ्री फिंगर है जिसको वो लोग बड़ी बहरमी से मारते है और वो जान से मार जाता है। फिर वो लोग उसका फेस देखने के बारे में सोचते हैं, तभी वो देखते हैं को वो थ्री फिंगर नहीं था, वो कायल होता है जिसकी जुबान कटी हुई होती है। उसे देखकर सब लोग वहां से भागने लगते हैं लेकिन वो तीनों भाई उनके पीछे बुरी तरह पड़ जाते हैं। भागते भागते वो सभी उनके रूम को तरफ आ जाते हैं जहां पर उन सभी का सामान भी रखा होता है। वो सभी अपनी जैकेट्स पहनकर खिड़की से बाहर आने की कोशिश करते हैं लेकिन वो एक सेनोटेरियम था जिसकी विंडो सील होती है और वहीं पर उन्हें एक टूटी हुई खिड़की दिखती है लेकिन उस खिड़की के पीछे बहुत सारी बर्फ जमी हुई होती है। सारा उस बर्फ को हटाने लगती है और इतनी ही देर में तीनों भाई वहां पर आ जाते हैं, जिसके बाद थ्री फिंगर दरवाजा तोड़ने को बहुत कोशिश करता है। और थ्री फिंगर के बाद सोतूत उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है और इतनी ही देर में सारा वहां बर्फ में एक रास्ता बनाने में कामयाब हो जाती है और वो वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जेना बाहर निकल नहीं पाती और वो वहीं पर फंस जाती है। तभी सोतूत एक ड्रिल मशीन से उसे मार देता है। बाकी तीनों अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं लेकिन वो तीनों भाई भी उन्हीं की स्नो बाइक को लेकर उन तीनों का पीछा करते हैं। सोतूत ब्रिजिट को पकड़ लेता है, जिस पर वो उन लोगों पर चाकू से हमला करती है जिस पर वो उसे छोड़ देता है। दूसरी तरफ हम लोरेन दिखाई जाती है जो बर्फ जमने की वजह से मार चुकी होती है और यहां पर सबसे अफसोसजनक
भयानक बात ये होती है कि मेन रोड उसके सामने ही था जो तूफान की वजह से उसे दिखा नहीं और वो हिम्मत हार कर बही बैठी रही और मर गई। अब सिर्फ सारा और केनिया भी बचते हैं और केनिया अपनी जान बचाकर भाग रही होती है और बन आई उसके पीछे पड़ा होता है। अभी वो केनिया को पकड़ने वाला था तभी सारा उसे मार कर नीचे गिरा देती है और वो दोनों अपनी स्नो बाइक लेके वहां से भाग जाती है। वो दोनों बहुत खुश होती है क्योंकि उन्होंने ये सब एक प्लान बनाकर किया होता है। वो इतनी खुश होती है कि वहां पर लगी बयार उन्हें नजर ही नहीं आती है और उन दोनों का सर धड़ से अलग हो जाता है। तभी थ्री फिंगर वहां पर आता है और उन दोनों के सर वहां से उठा कर ले जाता है और उनको बॉडी वहीं पर ही पड़ी रहती है। और उसी के साथ दोस्तों इस सादार मूवी का एंड हो जाता है। और इसी के साथ में दोस्तों अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके बाय बाय दोस्तों।